मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हूँ। मेरा आपको पता है, मैं वर्ड पावर की क्लासेस लेता हूँ और आज मैं एक जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में और रोज़मर्रा की भाषा में भी अगर कुछ सीखना हो तो हम लोग आज लेके चलते हैं आपको मछली के पास और देखते हैं कि ये वर्ड मछली किस तरह से हमारे लाइफ में इन्वॉल्व है। हमारे समाज में जब हमारा समाज का आगमन हुआ उसी समय से मछलियों का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है और मछली हमारे डे टू डे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखती हैं आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हर एक जगह पर आप मछली का रोल देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं फिश। फिश का मतलब मछली। मछली मछली जो है इसको सिंगुलर हो गया फिश और एक हो गया फिशेस। अब देखिएगा, ये एक से इसका मतलब दो मछलियाँ नहीं हो गई। फिश को अगर हम लोग फिशेस बोल दिए तो दो मछलियाँ नहीं हो गई, इसका मतलब है मछलियों की प्रजातियाँ बदल गई। अब थोड़ा सा देखिए, जैसे रोहू है तो रोहू है इज अ फिश, लेकिन रोहू और कतला हो गए तो दो ही मछली हैं, एक रोहू और एक कतला, तो फिशेस कहलाएंगे क्योंकि दोनों की प्रजातियाँ अलग अलग है। ठीक है, बहुत लोगों का शौक देखते हैं, आजकल एक ट्रेंड बन गया है लोगों को मैनीक्योर करने का, पेडीक्योर करने का। पेडीक्योर देखिए, पेडीक्योर होता है पैर में जो होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं उसको हटाने के लिए लोग आजकल स्पा ब्यूटी सैलून में जाते हैं। तो फिश पेडीक्योर क्या होता है कि विदेशों में बहुत ज़्यादा प्रचलन है, भारत में भी अब आ गया है। पैर को क्या करते हैं, लटका देते हैं वो बर्तन में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं और पैर के चारों तरफ में घिर जाती हैं। आप YouTube वीडियो में देख सकते हैं, फिश पेडीक्योर का आजकल प्रचलन काफ़ी है। तो फिशेस एंड ये आपने देखा। अब आप देखिएगा कि फिश मतलब मछली। अच्छा, आप देखिएगा फिशर जो मछली पकड़ने वाला होता है ना, मछुआरा जिसको बोलते हैं, लिख देते हैं मछुआरा, जो मछली पकड़ता है उसको फिशर कहते हैं। फिशरमैन भी बोल सकते हैं, फिशरमैन हो सकता है, फिशर वुमेन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ फिश वाइफ एक अलग से हम लिख रहे हैं, जरा इसको गौर करिएगा, फिश वाइफ लिखा है। फिश हो सकता है, फिशर हो सकता है, फिशरमैन फिशर वुमेन दोनों हो सकता है, लेकिन फिश वाइफ का मतलब हो गया कुछ और। अभी इसका मतलब बताते हैं। अभी देखिए, एक फिश मॉन्गर भी मिल रहा है आपको, जो मछली वो खरीदता नहीं, वो मछली बेच मैंने पकड़ता नहीं है, वो इसका काम है मछली खरीद के लाना और मछली को बेचना। तो मछली विक्रेता को फिश मोंगर बोलते हैं। फिश मोंगर मतलब हो गया मछली बेचने वाला। इसका काम जरूरी नहीं है कि वो मछली को पकड़ता हो, क्योंकि वो फिशरमैन का काम है, फिशर का काम है। फिश मोंगर मछली विक्रेता को बोलते हैं। फिश वाइफ को जरा सा देखिए, फिश वाइफ क्या होती है, जरा इस टॉपिक पे क्योंकि आ चुके हैं इसलिए बताना जरूरी है कि फिश वाइफ होती क्या है। वाइफ मतलब पत्नी और फिश का मतलब मछली। मछली की चाल टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। इसमें एक एडजेक्टिव लग जा रहा है, फिश, एक ऐसी महिला जो बहुत ही ज़्यादा अलग अंदाज में रहती है, बहुत ऊंचा आवाज में बोलेगी, एरोगेंटली बिहेव करेगी और अपने आप को, एक फिल्म आई थी श्रीदेवी की ना, वो उसको पैसे का बड़ा वो था, शौक था, वो अपने पति का भी दूसरी शादी करवा देती है पैसे के लिए। अब बहुत ऊंचा अलग अंदाज में रहती है, बहुत ऊंचा आवाज में बोलती है, अपनी बहुत शान पट्टी करती है। तो उस तरह की महिला जो ऊंचे आवाज में बात करती हो, एरोगेंट बिहेवियर करती हो और वो किसी को भी तुच्छ समझती हो, वो होती है फिश वाइफ। याद रखिएगा, फिश वाइफ मतलब एक ऐसी महिला जो काफ़ी ऊंचे शब्द में बात करती हो, एरोगेंटली बिहेव करती हो और समाज को तुच्छ समझती हो, दैट इज फिश वाइफ। ठीक है, अब ये सब कैमरे में कैद होगा। तो देखिए, कैमरा में एक लेंस होता है, छोटा सा लेंस होता है, बिल्कुल छोटा सा लेंस, उसको फिश आई लेंस भी बोलते हैं। देखिए, फिश आई लेंस इज ए लेंस यूज्ड इन अ कैमरा, फोटोग्राफी के कैमरा में जो लेंस इस्तेमाल होता है वो एक छोटा सा लेंस होता है, दैट इज नोन एज फिश आई लेंस। देखिए, ये सेक्शंस आपका कंप्लीट है, फिश फिश फिशेस, फिश पेडिक्योर, फिश फिशर, फिशरमैन, फिश मंगर एंड फिश वाइफ, फिश लेंस। चलिए, अब ये देखते हैं कि ये जो मछुआरा है तो वो मछुआरा समुंदर में जाता होगा,
देखिए दो तरीके हैं मछली पालन के। एक तो समुन्द्र में चले जाते हैं लोग मच्छी मारने के लिए। कुछ लोग जो होते हैं कि वो खेत में कुछ जमीन ले लेते हैं, उस जमीन को कोड़ते हैं और वहाँ पानी डालते हैं, मछली का बीज डालते हैं। तो फिश फार्मिंग का एक कंसेप्ट आया। देखिए फार्मर मतलब किसान होता है, तो किसान का जरूरी नहीं है कि वो जो है वो हल चलाए, खेती करे। वो मधुमक्खी भी पालन होता है, तो बकरी पालन होता है, सुअर का पालन करते हैं, तो मछली का ही पालन करते हैं। तो एक क्षेत्र बना लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं और उसमें मछली के बीज डालते हैं, छोटे छोटे बीज डालते हैं, और वो फिश फार्मिंग होता है। इसको आप लोग फिशरी भी बोलते हैं। फिशरी इज अ इनक्लोज्ड एरिया जहाँ पर मछली का बीज डालकर मछली का पालन किया जाता है। तो फिश फार्म इज अ प्लेस एरिया और फिश फार्मिंग इज एन ऑक्यूपेशन। ये फार्मर ही होते हैं, फिश फार्मर बोल लो। तो फिश फार्म, फिश फार्मिंग, ठीक है। अब इसमें एक देख लो, फिश प्लेट पे अभी हम नहीं आएंगे। फिश प्लेट एक अलग टर्म ही आ गया, क्योंकि अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं, फिश प्लेट को भी। बहुत लोग घर में रखते हैं अपनी मछलियों को, एक्वेरियम होता है, फिश एक्वेरियम होता है। तो फिश नहीं बोला जाता है, सिर्फ उसको एक्वेरियम बोला जाता है। एक बर्तन जिसमें मछली को रखा जाएगा, जैसे आप लोग कुत्ते को पालते हैं तो उसकी कर चेन लगा के रखते हैं, तो वैसे ही मछली को भी लोग बर्तन में रखते हैं, पानी में डुबा के रखते हैं, एक्वेरियम होता है। तो फिश बॉल या एक्वेरियम दोनों आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिश बॉल और फिश एक्वेरियम दोनों एक ही चीज है। आपने देखा लोग कुछ तो उसको घर में रखते हैं, खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो फिश के कुछ वैरायटी हैं, मैं देख लो मछली से क्या क्या बन सकता है। फिश करी बना लो, फिश फिंगर बना लो। एक फिश फिंगर का बड़ा एक अनोखा आइटम है। वो बोनलेस मछलियाँ होती है। मछली को इस तरह से, एक तो ऐसी मछली को लिया जाता है जिसके अंदर कांटा बहुत कम हो, कांटों को भी हटा दिया जाता है और उसके फिंगर साइज के बनाए जाते हैं, उसको छाना जाता है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में मिला के खाइए, उसको बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा कि आप कटलेट खा रहे हैं। इसी तरह से एक फिश केक आता है। फिश केक जो होता है सब्जी और भात मिलाकर, राइस होता है प्लस वेजिटेबल मिलाकर मछली बनाकर फिश केक बनाया जाता है। इट इज ऑल्सो अ फूड आइटम, फिश फिंगर, फिश केक। फिश एंड चिप्स भी होते हैं, जैसे सूखा सूखा लोग कुछ खाते हैं तो फिश होता है और पोटैटो चिप्स होते हैं। तो फिश और एक फिश एंड चिप शॉप, तो फिश एंड चिप शॉप पे आपको फिश एंड चिप मिल जाएंगे। फिश केक बना लो घर में, फिश फिंगर बना लो, फिश करी बना लो। तो ये कुल मिला के आप यहाँ पर आप देख रहे हो कि मछली का लोग पालन करते हैं। कुछ लोग मछली को घर में रखते हैं, कुछ लोग मछली को खाते हैं, पालते हैं और इसको बेचने के लिए पालते हैं। देखिए क्या लिखे हैं, मछली का पालन करके बेचना हो, फिश फार्मिंग करो। कुछ लोग मछली को खरीद के इसको पालेंगे, कुछ लोग इसको खा जाएंगे। एक चीज और थोड़ा सा इधर आइए, मछली को जब समुन्द्र में लोग जाते हैं, अब समुन्द्र में चलो, मछली को मछुआरा चला गया समुन्द्र में और मछली मारने के लिए गया, तो बहुत लोगों को देखिएगा वो लोग जाला का इस्तेमाल करते हैं। तो दैट इज नोन एज फिश नेट। बहुत बड़ा जाला होता है, समुन्द्र में उसको डुबाते हैं और मछली को निकालते हैं। कुछ लोग जो है नदी के किनारे बैठ के मछली को पकड़ रहे हैं, तो वो फिशिंग रॉड होता है और उसका जो मजबूत धागा होता है, नायलॉन का धागा बड़ा मजबूत होता है, उसको फिशिंग लाइन बोलते हैं। तो फिशिंग रॉड और फिशिंग लाइन वो हो गया मछली को पकड़ने के लिए। जो व्यक्ति तालाब के किनारे, नदी के किनारे बैठा रहता है मछली को पकड़ने के लिए, वो फिशिंग रॉड होता है, उसमें लगने वाला धागा फिशिंग लाइन होता है। मछुआरे लोग जो मछली पकड़ने के लिए समुन्द्र में जाते हैं, नदी में जाते हैं, वो फिशिंग नेट होता है। अब आइए थोड़ा सा एक यहाँ पर एक फिश स्लाइस करके एक वर्ड आया है, फिश स्लाइस। हमने आपको बताया कि मछली को जब बनाना हो तो लोग, कुछ लोग मछली इसको बनाते हैं, फिश फिंगर, फिश केक, फिश चिप। कुछ लोगों को मछली करी खाने का है और फिश फ्राई बनाने का शौक है, मछली को भूजते हैं। तो मछली को पलटने के लिए जो वो जो आता है सरसी, जिसको बोलते हैं हम लोग घरेलू भाषा में, जिसमें पलट सकते हैं, रोटी को ही पलटने वाला होता है, वो दैट इज नोन एज फिश स्लाइस। फिश स्लाइस एक बर्तन का प्रकार है जिसका यूज किया जाता है
खाना को पलटने के लिए, दैट इज फिश स्लाइस। अब आइए इंसान के लिए, अब फिश देखो, अब एक बहुत बड़ी दुनिया में आपका क्या अस्तित्व है। धरती पे तीन जगह है बाबू, एक तो आसमान में रहने वाले, एक जमीन पे रहने वाले, एक पानी में रहने वाले। हमारी पूरे धरती पर कोई भी ना रहे, सिर्फ हम रहें, को हमारी औकात एक रेत के बराबर भी नहीं है। उसी तरह से पूरे के पूरे सागर में एक मछली है, उसकी क्या औकात है? कुछ भी नहीं है। पूरे पूरे सागर को खाली कर दो, सिर्फ एक मछली रख लो, तो इसका मतलब एक ऐसा पूरे समुंदर में एक मछली को ले दो, वो है क्या? कुछ नहीं। तो यहाँ पर कुछ देखो, एक हम लोग इसको बना रहे हैं, ए स्मॉल फिश, मतलब एक आम इंसान, एक आम इंसान, ऑर्डिनरी पर्सन, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, एक अदना सा इंसान। आई एम अ स्मॉल फिश, यू आर अ स्मॉल फिश, ठीक है? तो जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं हो, अंबानी और अडानी होता तो अलग बात होती, वो बिग फिश होता, याद रखिएगा। जिसके पास पैसा है, ताकत है, उसके पास तो दुनिया है, तो वो बिग फिश है। तो बिग फिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वीआईपी है वो, मैग्नेट है वो, समझे? बहुत ऊंचा, बहुत वीआईपी केस है वो। बिग फिश मतलब एक बहुत ताकत वाला इंसान, स्मॉल फिश मतलब एक आम इंसान। कोल्ड फिश, कोल्ड फिश एक ऐसा इंसान होता है ना, जिसका क्या कह सकते हैं उसको, वो जो होता है बिल्कुल किसी के साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं होता है, कोल्ड बिहेवियर जिसको आप बोलो ना, कोल्ड बिहेवियर होता है ना, वार्मली वेलकम, अरे बहुत ही एकदम गर्म दिली जोश से स्वागत किया, अरे कोल्ड बिहेवियर है, बिल्कुल ठंडा है, हाँ भैया आ गए, बैठ गए, ना बैठने के लिए नहीं बोला, पानी पीने के लिए नहीं बोला, चाय भी नहीं पूछा। तो उसी तरह से कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं ना, जो कि अनइंटरेस्टिंग होते हैं, जिनका एक दूसरे से फ्रेंडली नेचर नहीं होता है। तो ये कोल्ड फिश वो लोग होते हैं, अ पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड, हु इज नॉट फ्रेंडली। बिग फिश, कोल्ड फिश, स्मॉल फिश। क्वेर फिश, क्वेर से देखो, क्वेर से मतलब क्वेरी, आप इंक्वायरी करते हो, हमेशा सवाल जवाब करने वाला इंसान, संदेहास्पद इंसान, मतलब उस आदमी को खड़ा कर दीजिए तो वो केवल आपसे सवाल पूछता रहता, हाँ ये क्या है, ये कैसे हो गया, अच्छा ये कब आया। क्वर फिश, ए पर्सन हु इज ऑलवेज ऑलवेज इनक्विजिटिव, जो हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी लेने, या बहुत संदेहास्पद, जिसका बिहेवियर बड़ा ही स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज बिहेवियर वाला, अनयूजुअल बिहेवियर वाला, कुछ देख के लगेगा कि यार कहाँ से ये आदमी आ गया। Neither fish nor fall, जिसको कर सकते हैं ना उधो का लेना ना माधो, ये व्यक्ति ऐसा जिसको कुछ पता ही नहीं है क्या है भैया ये, he knows nothing, fish मतलब मछली, fall का मतलब जानवर, उसको कुछ भी नहीं पता होता है। चलिए अब आइए थोड़ा सा, एक जमाना है, चूंकि आप लोग बच्चे लोग पढ़ रहे हो तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज इसमें बता दिया जाए आपको। पढ़ाई के दौरान लड़कियों का नशा हो जाता है लड़कों में, ठीक है, दिल टूट गया। एम मुन्ना भाई MBBS में एक था ना, संजय दत्त जो है हॉस्पिटल में जाता है, देखता है एक पड़ा हुआ, क्या भाई, तो उस लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। क्यों सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया? लड़की उसको छोड़ के भाग गई, तो बोला माँ तुमको पाली था, तुम जो है ठीक रहा हो, लड़की जो है दो दिन के प्यार में तू बदल गया, छोड़ो, बहुत है दुनिया में ऐसी, देयर आर प्लेंटी मोर फिश इन द सी, छोड़ दो उस गर्लफ्रेंड को, आई गई सो गई, बहुत मिलेंगी तुमको। तो ये थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए संजय दत्त बोला है हिंदी में, मैंने इसको इंग्लिश में फ्रेज के रूप में बताया, देयर आर प्लेंटी मोर फिश इन द सी, व्हाई टू वरी अबाउट दैट फिश, देयर आर मेनी फिश, ड्रिंक लाइक ए फिश। वो लड़का क्या करता था, वो था सुसाइड के अटेम्प्ट करने के लिए दारू पीता होगा, शराब पीता होगा, तो ड्रिंक लाइक ए फिश मतलब मछली तो पानी में रहती है भाई, पानी दिन भर पीती होगी, उसका काम ही है पानी पीना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो रेगुलर ड्रिंकर हो, शायद मुन्ना भाई MBBS में हुआ लड़का भी खूब जो है ड्रिंक लाइक ए फिश होगा, और उसके बाद सुसाइडल अटेम्प्ट किया होगा, तब उसको संजय दत्त ने समझाया, देयर आर प्लेंटी मोर फिश, अ फिश आउट ऑफ वाटर। देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एक वो फिल्म आई थी, थोड़ा सा मैं फिल्मों से थोड़ा प्रेरित हूँ, फिल्म आई थी कबीर सिंह, उसमें भी इसी तरह का एक लव अफेयर दिखाया जा रहा है। बहुत पढ़नेहार लड़का था वो, एक लड़की के प्यार में फंस गया, तो
इतना वो मशहूर हो गया। खैर उसमें तो दिखाया है कि वो पढ़ाई से डेविएट नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई से डेविएट हो जाते हैं, पानी से अलग हो गए, निकल गए, उसको दुनिया का को कोई अता ही पता नहीं है। अचानक साल भर बाद स्कूल पहुंचे, अचानक एक जमाने के बाद पहुंचते हैं तो पता चलता है हमें तो कुछ पता ही नहीं है। यू आर अ फिश एंड आउट ऑफ वाटर, तुम इस घर में हो और तुमको यहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं है। यू आर अ फिश एंड आउट ऑफ वाटर, यू नो नथिंग। इसी तरह से है ये डिफरेंट काइंड ऑफ कैटल, ये डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, एक ऐसा विशेष तरह का जिसको कह सकते हैं, ये एक ऐसी स्थिति जिस समय आप जो है कुछ जानते ही नहीं है। यू नो नथिंग, यू आर डिफरेंट कैटल, आप तो दूसरे दुनिया के हैं, पता ही नहीं चलता है आप किस दुनिया के इंसान है भाई। ठीक है, तो ए फिश आउट ऑफ वाटर मतलब हो गया एक ऐसा स्थिति या एक ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ पता ही नहीं है, वो बिल्कुल अनजान है, और यहाँ पर है कि तुम दूसरी दुनिया का इंसान हो। लगभग साइनोनिमसली ये फ्रेजेज हैं जो कि जनरली इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक आया फिशी, देखिए सबसे लास्ट है फिशी। फिशी का मतलब ही होता है कि आपको जो है हमेशा उसमें दाल में काला, जिसको बोलते हैं नहीं, दाल में काला है। देखो अगर कुछ कुछ मछली जैसा फिश मार्केट होता है जनरली, तो फिश मार्केट में आपको फिशी जैसे स्मेल आएगा, फिशी आएगा। लेकिन अगर नेचर में लिया जाए कि फिशी नेचर है, बड़ा ही जो है उसका संदेहास्पद नेचर है, वो व्यक्ति जो है उसके ऊपर हमेशा डाउटफुल होता है। अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुआ है तो बताया जा रहे हैं कि बहुत कुछ उसमें फिशी है, बहुत कुछ दाल में काला है। वो कुल मिला के आप देखोगे फिश जो कि एक बहुत छोटा सा चीज़ है, किस तरह से हमारे लिटरेचर में, हमारे लाइफ में, हमारे डे टू डे अफेयर्स में शामिल है। एक यहाँ पे दो तीन चीज छूट रहा है, फिश फॉर। फिश फॉर का मतलब खोजना। अब फिश फॉर का मतलब मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल मैं करूँगा आपको समझना। स्कूल से मैं घर से मैं कॉलेज गया और चाबी मेरी गुम हो गई। तो अब हम जो है कि बैग में हाथ डाल के और इस तरह से ऐसे से बैग में खोज रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वो चाबी पकड़ा गई। तो हमने क्या किया, हाथ अपना कहाँ डाला, बैग के अंदर डाला। एंड आई वॉज फिशिंग फॉर द की, आई वॉज फिशिंग फॉर द की। उसी तरह से एक है फिश अराउंड, ये कितना सारा बंडल है, फाइल है, और उसमें से जो है कि एक इम्पोर्टेंट सा कोई पेपर छूट गया है, मैं उस पेपर को खोजने का कोशिश कर रहा हूँ। आई वॉज फिशिंग अराउंड द पाइल ऑफ पेपर टू सर्च माई सर्टिफिकेट। आई वॉज फिशिंग अराउंड द पाइल ऑफ पेपर टू सर्च माई सर्टिफिकेट। तो फिश फॉर समझ रहे हैं, फिश फॉर अंदर हाथ घुसा के खोज रहे हैं, फिश अराउंड उस बंडल में से खोज रहे हैं, फिश आउट निकाल लिया मैंने, देखो कोई पानी में डूब रहा है। छोटा बच्चा था, डूब रहा था एक दिन, तो क्या किया कि मैं कूद गया पानी में और उस बच्चे को निकाल ले आया। आई फिश्ड आउट दैट बेबी आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर निकाल लेना। और फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड वाटर पानी हिलता रहता है और मछली उसमें भी तैर जाए, तो इसका मतलब रहता है एक ऐसी अजब गुजब स्थिति में जब अगर आप एडवांटेजियस पोजीशन में हो, दैट इज फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो चलो एनी हाउ हम लोग अभी देख चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ इसमें फिर अभी छूट गया, फिश प्लेट छूट गया भाई। फिश प्लेट अभी पढ़ाते पढ़ाते मैं भूल गया था, फिश प्लेट छूट गया। देखिए ये रेलवे का एक ट्रैक होता है, ये दूसरा रेलवे का ट्रैक होता है। लंबी ट्रैक बनाई नहीं जा सकती है, जितने भी ट्रैक होती हैं तो ये जो ट्रैक होता है एक दूसरे से जोड़ा जाता है। तो ये जो प्लेट लगाया जाता है और इसको नट बोल्ट स्क्रू से जो टाइट किया जाता है, देखिए इस पे ट्रेन चलेगी, ठीक है, ट्रेन चलने वाली है। तो ये जो फिश प्लेट इसको बोलते हैं, फिश प्लेट। ये ट्रैक है रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन, और इसको जोड़ा जाने वाला जो होता है ये प्लेट होता है लोहे का, जैसे हाथ टूट गया हो, ये उधर टूट गया, ये इधर हो गया, तो एक लंबा सा रॉड लगाया जाता है। उसी तरह से रेलवे का ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, इसको जोड़ा गया फिश प्लेट से। ये छूट गया था, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। और ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर सब्सक्राइब लाइक करिएगा, हम भी प्रोत्साहित होते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको रिलेटेड ही और अच्छे। थैंक्स।